हेलो, नमस्कार दोस्तों। मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ आटा पापड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आप इसे मटरी भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही कुरकुरी, करारी और खस्ता बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तरह ले सकते हैं या फिर किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये देखिए, हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। ये छोटी वाली है, मैंने छोटी बड़ी दोनों बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है इससे। इसमें मैंने एक मेन ट्रिक बताया है, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है। जिससे हमारी पापड़ी बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। मुझे थोड़ा हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हो। अब हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, ये भुनी हुई अजवाइन है, आप कच्ची भी ले सकते हो। हाथों से क्रश करेंगे। ये देखिए हाथों से मैश करके ऐसे डाल दें। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जिसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे जरूर डालें। ये पेट के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे जरूर डालें। हमें काला नमक डाल देना है। अब हमें 4 चम्मच भर कर ऑयल डालना है, आप घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करें उसे थोड़ा ज्यादा ही डालें। इससे क्या होगा, हमारी पापड़ी जो है बहुत ही खस्ता बनेगी। पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। हम ऑयल डालेंगे, 4 चम्मच हमने भर कर लिया है। इससे हमारी पापड़ी जो है बहुत ही खस्ता बनेगी। अच्छे से मिक्स कर ले। पहले हमें ऑयल के साथ ही गूंथ लेना है अच्छे से, जिससे सारे आटे में ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ऐसे बन रहा है आटा, ऐसे ही हमें चाहिए है। ये देखिए ऐसे बंधने लग जाए, तब तक हमें ऐसे गूथना है ऑयल में। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हम जैसे पूरी का डो टाइट बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है, रोटी वाला डो नहीं बनाना है, एकदम टाइट डो हमें बनाना है। इसे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। ये देखिए हमने डो बना लिया है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे, हल्का सा गीला होना चाहिए, और 1/2 घंटे के लिए हमें रख देना इसे रेस्ट के लिए। ये देखिए हमने ढक दिया, हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे इसे, जिससे ये अच्छे से चिकना हो जाए थोड़ा सा। हमें गोलियां बना लेनी है। ये देखिए हमने गोलियां बना ली हैं। ऑयल हमने हल्का सा लगा लिया है, हम बेल लेंगे इसे। हमें बहुत पतला नहीं करना है, ना ही बहुत मोटा करना है, मीडियम करना है। ये देखिए ऐसे बेल लेना है इसे, हमने इसे बेल लिया है, ना ही हमने बहुत पतला किया ना ही बहुत मोटा। हम थोड़ा सा ग्लास से काटेंगे एक दो, आप कुकी कटर भी ले सकते हो।
ये देखिए, फिर ऐसे कोई ढक्कन से भी आप काट सकते हो। छोटी वाली जो हमने दिखाई थी ढक्कन की थी, और बड़ी वाली ग्लास की, ये हमें फोक लेना है, उसे हमें होल कर देना है इसमें। इससे क्या होगा, ये पूरी की तरह फूलेंगी नहीं और बहुत ही खस्ता बनेगी। अच्छे से हमें होल कर देना है सब में, इसे बिल्कुल भी फूल लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह बन जाएगी बिल्कुल। बचे हुए आटे को हम निकाल देंगे। हमने इसे प्लेट में रख देना है। ये देखिए, हमने प्लेट में से रख दिया निकाल के। तेल गरम हो गया है, अभी हमने हाई फ्लेम पे कढ़ाई को रखा है। हम पापड़ी को उसमें डालेंगे। देखिए, मैंने बाकी के भी बना लिए थे। तेल को अच्छा गरम हो जाने दें तभी इसमें डालें। ये देखिए, एक एक करके हम डाल देंगे इसमें। ऐसे हिलाते हुए हमें पकाना है, चलाते पलटाते रहें एक दूसरे को, जिससे दोनों तरफ अच्छे से पके। कई लोग क्या करते हैं कि हल्का सा ब्राउन होने पे निकाल देते हैं। हल्का सा ब्राउन होने में बिल्कुल भी नहीं निकालना है, जब तक ये डार्क थोड़ा नहीं हो जाता, डार्क कलर नहीं आ जाता है, ये हमारी मेन ट्रिक है। अगर आप हल्का सा भी ब्राउन होने पे निकाल देंगे तो अभी तो खस्ता रहेगी, लेकिन ठंडे होने के बाद ये पूरी की तरह बन जाती है। इसे हल्का डार्क ब्राउन हो जाए तभी आप इसे निकालें, जलाना नहीं है, बस हल्का सा डार्क ब्राउन करना है हमें। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी एक हाँ हो गई है। हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारी पापड़ी बन के तैयार है, ये हल्की ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ही खाई, ये बहुत ही खस्ता हो जाती है ठंडी होने के बाद। ये देखिए, हमारी टेस्टी यम्मी पापड़ी बन के तैयार है। आप इसे किसी टाइम भी खा सकते हैं, पापड़ी चाट भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए, हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है। हम बड़ी वाली दिखाते हैं अब, ग्लास से जो हमने काटी थी। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है। कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है, तो एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।